तिमोथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। उन्हें सिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ, पर जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भलीभांति जानता है।